जैसा कि गवर्नमेंट ने जो एनुअल यात्रा है वो तो बंद कर दी है, लेकिन ये मुबारक छड़ी के लिए हमें ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10-15 आदमी को लाओ, लेडीज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता उन्होंने अभी बनाया है, पैदल चलने का रास्ता बनाया है जिसमें सिर्फ लोडिंग म्यूल जा सकती हैं, लेकिन घोड़े पर कोई सवार आदमी जाने का रास्ता अभी तक नहीं बना है। इसलिए हम जो सालाना जो हमारी मुबारक छड़ी है जम्मू से, आज हम उसको 7:30 बजे के करीब हम चलेंगे यहाँ से, और रात को गल्हार में रहने का प्रबंध किया गया है। 19 तारीख को पंडित कृष्णलाल के मंदिर में रहेगी, 20 को यात्री भवन गुलाबगढ़ में विराम करेंगे सारे लोग, और 21 को चुशौती पहुंचेंगे पैदल चलकर। मसू तक तो व्हीकल जाएगा, कोई ना कोई गाड़ी जाएगी, उसके बाद उनको पैदल जाना और रात को चुशौती में रहना, और 22:00 4 बजे से पहले पहले हमने यात्री माता के मंदिर मचेल में पहुंचना है, और 24 तारीख हमने वापस आ जाना है। और हमारी ये कोशिश होगी कि सिर्फ जो यंग जनरेशन हमारी डिवोटीज़ हैं वही जाएंगे, जो सीनियर सिटीज़न है या लेडीज़ हैं वो सफ़र गुलाबगढ़ से आगे नहीं करेंगे। ये हमारा ऐसा आदेश किया, हमने सब लोगों को रिक्वेस्ट की। पूजा अर्चना जैसे हर साल जैसे होती वैसे ही होगी, इस साल भी वैसे ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, जैसे होती है वैसे ही होगी। और हमारी यही अरदास है माता रानी से कि जल्दी जल्दी हमारे सारे जितने कार्यक्रम बिगड़े हुए ठीक हो जाएं।